विगत 20 वर्षों से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अपने क्षेत्र में यह बेमिसाल इसलिए कहा जा सकता है कि इसके कार्य और उद्देश्य जोड़ने के लिए बनाए गए। ब्राह्मण वंश एक दूसरे के साथ जुड़े, ब्राह्मण वंशों में जो कमियां हों वो कमियां दूर की जाएं, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिकता के क्षेत्र में, जैसे कि शादी विवाह, अन्य दूसरे प्रकार के जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं उनको आर्थिक मदद के रूप में वंश को एकजुट करना और उनकी प्रतिभा को निखारना भी है। इस मंच का उद्देश्य एक तरफ और हमें ले जाता है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़ करके इस वंश के लिए कितना कार्य कर सकते हैं। ये सब अतिथि सम्मान, विशेष सम्मान, गौरव सम्मान, उत्कृष्ट विद्यार्थी सम्मान, ये सब उसी के कारक हैं और इन्हीं कारकों के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़ते हैं और लोगों को जोड़ते हैं और उन्हें अपनी संस्था के उद्देश्य और कार्य के विषय में पूर्णतया उन्हें विज्ञ करते हैं। ब्राह्मण एकता मंच चैरिटी ट्रस्ट के द्वारा आयोजित 1 मार्च को श्री राम मंदिर ट्रस्ट पर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मंदिर परिसर में यह कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार रखे, अपनी अपनी बातें कही, संस्था के उद्देश्य, संस्था के आयोजन, संस्था की व्यवस्था, इन सब चीज़ों पर प्रकाश डाला। हमारी संस्था में एक उभरता चेहरा, युवा चेहरा और ब्राह्मण एकता मंच का युवा अध्यक्ष, तो मैं चाहूँगा कि वह भी अपनी युवा वाणी में, अपने आवेश में, अपने कर्तव्य के निर्वाह में अपनी बातें रखें और लोगों को अपनी बात बताए। द्वारा जो संचालित की जा रही है इसके लिए मैं संस्था को कोटि कोटि बधाई भी देता हूँ, उनके प्रति आभार भी प्रकट करता हूँ और इसका आने वाले समय के लिए मैं इसका स्वागत भी करता हूँ। हमारे संस्था में मिथिलेश जी हैं, संस्था के हमारे कोषाध्यक्ष भी हैं और एक तरह से इसकी पूर्ण जिम्मेदारी का निर्वाह भी कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि मिथिलेश जी भी अपने विचार को रखें। संगठन नहीं, एक विचार है। इस विचार को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी लोग, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता पूरे मुंबई ने, पूरे महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर संस्था के विचार और उद्देश्य को रख रहे हैं। उसके लेकर सभी लोगों ने इसे जुड़ने के लिए अपने तन मन धन से इच्छुक हैं और संस्था से जुड़ रहे हैं। कोई राजनीतिक पार्टी इतनी जल्दी पूरे हिंदुस्तान में जगह नहीं बनाती है। उससे कम समय में यह संगठन ने हिंदुस्तान के 12 राज्यों में अपनी जमीनी स्तर पर पकड़ बनाई है और सामाजिक कार्यों में अपनी विचार रख रही है और समाज को जोड़ने के लिए और गरीब युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए, गरीब कन्याओं को शादी कराने में हर तरह से हर मुहैया करा रही है, जिसमें जो समाज में अच्छे कार्य कर रहे हैं, जो समाज में माने जाने व्यक्ति हैं, जो समाज से संबंध रखते हैं, उसका दिया जा रहा है। जो ब्राह्मण के बच्चे 80% से अधिक मार्क्स लाते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। यह सब विचार रखकर यह संगठन बनाई गई है और संगठन के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी पूरे हिंदुस्तान में अपनी संस्था को प्रचार प्रसार और संगठन को विस्तार करने में लगे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। ब्राह्मण एकता मंच मुंबई समेत पूरे देश में समय समय पर कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है, पर इस कड़ी में इस बार 1 मार्च 2020 को मालाट के जोगेश्वरी क्षेत्र में वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें ब्राह्मण गौरव पुरस्कार, ब्राह्मण भूषण पुरस्कार और विशिष्ट पुरस्कार तथा उत्कृष्ट विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। उसमें ब्राह्मण वंश के पूरे देश से अनेक महान हस्तियाँ रही हैं और लोगों में यह संदेश देना चाहेंगी कि सब एक हों और समाज के लिए, देश के लिए अच्छा काम करें। ब्राह्मण एकता मंच चैरिटी ट्रस्ट द्वारा विगत कई वर्षों से ब्राह्मण भूषण, ब्राह्मण गौरव पुरस्कार एवं जो बच्चे 80% से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं उन्हें सम्मानित किया जाता रहा है। यह हमारी 20 साल से परंपरा है, इसका हम लोग निर्वाह करते हैं। ब्राह्मण वंश को एकत्रित करने के लिए जो भी कदम उठाने पड़े उसके लिए
हमारी पूरी टीम, मैं मिथिलेश मिश्र, कृपा शंकर मिश्र, सुरेश मिश्र, रामललित मिश्र, कमलेश तिवारी, प्रमोद उपाध्याय, जटा शंकर उपाध्याय, कमला शंकर मिश्र, ये हमारी पूरी टीम है। ये टीम लगी रहती है और यथासंभव जो भी हो उसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। इस बार के प्रोग्राम में तय किया है कि इस बार इस प्रोग्राम में चार अभिनंदनीय व्यक्तित्व को ब्राह्मण भूषण की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें पहला नाम श्री गजानन कितकर जी का है, दूसरा नाम श्री ललन तिवारी जी हैं जो शिक्षा क्षेत्र में हैं, तीसरे हैं श्री शीतला प्रसाद दुए, ये महाराष्ट्र राज्य सरकार साहित्य अकादमी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, दूसरे समाज सेवक हैं श्री लाल बहादुर उपाध्याय जी। इन लोगों को ब्राह्मण भूषण की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। तो मुख्य अतिथि के तौर पर कौन कौन आ रहे हैं? मुख्य अतिथि के दिगंत उपाध्याय, विनोद मिश्र, श्रीकांत मिश्र, जेपी मेहता, अनिल मिश्रा, पीडी तिवारी, श्री बागीश दुबे, सुशील तिवारी, सुनील मिश्र, विनोद पाठक तथा और अन्य गण मान्य हैं। इस संस्था के प्रोग्राम के तथा संस्था के परमानेंट प्रवक्ता जिसको हम कहते हैं वो श्री कमला शंकर मिश्र, ये पूर्व कमिश्नर हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के, और डॉक्टर श्री कृपा शंकर मिश्र, ये लोग सभा को में अपने वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे और बहुत सारे हमारे सहयोगी हैं। और हम चाहते हैं कि पूरा ब्राह्मण वंश का विकास हो, ब्राह्मण वंश कैसे उन्नति करेगा इस विषय पर चर्चा होगी, परिचर्चा होगी, कभी सम्मेलन होगा और इसके बाद कुछ विशेष जानकारी है तो हम रामकृष्णाचार्य जी महाराज और इस्कॉन के मेडिकल डायरेक्टर रघुवीर दास जी तथा राज्य के पुरोहित जी हैं। इसके बाद हम लोग कुछ और लोग विशिष्ट हैं जिन्हें ब्राह्मण गौरव की उपाधि से सम्मानित करेंगे, जिसमें श्री संजय वत्स, भारतीय सांसद, राज्यसभा के अपर निदेशक, संत तुलसीदास पुरस्कार राजेश कुमार मिश्र जो सीमा शुल्क के आयुक्त हैं, तीसरे हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार रमेश कुमार द्विवेदी जो अपर निदेशक हैं सीमा शुल्क, इसके बाद श्री लालचंद्र पांडे जो पूर्व जिसको सेवानिवृत्त कहते हैं सेवानिवृत्त जज हैं यूपी के, दूसरे हैं डॉक्टर राधेश्याम तिवारी, ब्रिजमोहन पांडे नवभारत के संपादक, श्री डॉक्टर मईधर मिश्र जो